वैसे बोला जाए तो फिजिक्स की शुरुआत वहाँ से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आज हम सिर्फ चार क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूँ। वॉइस स्क्रीन क्लियर है? अब मैं बार बार नहीं पूछूंगा, सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर क्लियर। ओके फाइन फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ तीन चार बात टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस, फिर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फिर स्पीड, वेलोसिटी और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी। देखो इस लेसन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है आपको, क्या मतलब एक तरीके से हम बुक का या सिलेबस का गोल क्या रहता है कि आपको कुछ टर्म से क्या करवाया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए लेसन में। इतना कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड, एकदम आसान सा सारा चैप्टर है पूरा। आपको मतलब इसमें इस लेसन में ना डेफिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, डेफिनेशन और संबंधित लाइक टर्म्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मैं पहले आपको डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद हम किसको स्केलर कहेंगे और किसको वेक्टर कहेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब मान लिया यहाँ पे कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट। अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना हो तो मैं इस तरीके से जाऊँगा, और बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना हो तो मैं इस तरीके से जाऊँगा, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट पाथ हुआ। अगर मुझे ए टू सी जाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ए टू बी जाऊँगा, देन बी टू सी जाऊँगा, राइट। तो फाइनली मैं ए टू सी पे पहुँच जाऊँगा। ये मेरा हुआ इनिशियल, ये हुई इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं वो हो गई फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, या आसान भाषा में कहा जाए तो ये हमारा सोर्स रहेगा और ये हमारा डेस्टिनेशन, राइट। तो आप देख सकते हो अगर आपको ए टू सी जाना है तो हम पहले ए टू बी जाएंगे और फिर बी टू सी जाएंगे, राइट। और कोई रास्ता है हमारे पास ए टू सी जाने के लिए? यहाँ नो पे आपके पास एक और भी रास्ता है ए टू सी जाने के लिए, राइट, जिसमें आपको कहीं वाया होकर नहीं जाना पड़ेगा। वाया मतलब कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, आप सीधे ए से चलोगे और सी पे पहुँचोगे, मतलब कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट पाथ हुआ। और समझने के लिए बोलेंगे हम इसको इनडायरेक्ट पाथ हुआ, इनडायरेक्ट पाथ। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पॉइंट बी पे रुकना पड़ेगा और पॉइंट बी से आपको वापस फिर चलना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए। सर इतनी बात समझ में आई? यस और नो? समझ में आ गए। ओके। अब हमारे पास, अगर मेरे पास ए टू सी जाना हो, मुझे ए टू सी जाना हो तो मेरे पास दो रास्ते हैं। एक सीधा मैं आ जाऊंगा ए से सी के ऊपर और दूसरा मैं आऊंगा बी के ऊपर पहले और बी से जाऊंगा सी के ऊपर, राइट। अब इसमें से कौन सा रास्ता या कौन सा रूट है वो मेरे लिए शॉर्टकट होगा?
ए से डायरेक्ट सी तक। हाँ राइट, मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्या है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट, और ये लॉन्ग रूट रहेगा हमारा, ये लॉन्ग रूट रहेगा राइट। किस में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, कौन से वाले रूट पे ज्यादा टाइम लगेगा? ए से बी और बी से सी तक का। ओके फाइन, अच्छा मुझे सोच के बताना कौन से वाले रूट पे आपको ज्यादा डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। देखो एक सीधी सी बात बताऊं मैं, अगर आपको कहीं जाना है, आप कहीं रोड से जा रहे हो राइट, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और हमें रोड से रास्ता मालूम है, मतलब हमें पता है कि ये रोड यहाँ पे जा रही है राइट, तो हम डायरेक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बट अगर आपको कहीं पे घूम के, मतलब आप क्या कर रहे हो, शॉर्टकट ले रहे हो राइट, कहीं पे जाने के लिए आप शॉर्टकट ले रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर बार बार आपको रुक रुक के डायरेक्शन के बारे में पता करना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्टकट ले लिया और आपने डायरेक्शन के बारे में पता नहीं किया, तो आप पता नहीं कहाँ जाने का सोच रहे होंगे और कहीं और जगह पे चले जाएंगे। ऐसा आपका लॉन्ग रूट में नहीं होगा। सपोज़ मुझे बालासिनोर से वीरपुर जाना है राइट, तो बालासिनोर से वीरपुर अगर मैं रोड से जा रहा हूँ राइट, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा बच्चा भी साइकिल लेके चला जाएगा क्योंकि उसको मालूम है कि रोड वीरपुर को ही जा रही है। बट अगर आपको कहीं खेत में से या कहीं कैनाल से होते हुए जाना है, तो आपको बार बार डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सही रास्ते पे तो हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहले से किसी ने रास्ता नहीं बना के रखा हुआ है और आप खुद अपनी रिस्क के ऊपर शॉर्टकट ले रहे हो राइट। तो आपको बार बार सोचना पड़ेगा, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या ये रास्ता शॉर्टकट ही होगा, क्या ये रास्ता मुझे शॉर्ट टाइम में पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, ऐसा आपको बार बार सोचना पड़ेगा। तो डायरेक्शन का जो सवाल है वो किस में आता है, लॉन्ग रूट में आएगा या शॉर्टकट में आएगा, आपको किस में बार बार डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। दिख भी जाए शॉर्टकट होगा, उसमें आपको डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा राइट। ठीक है, फिर इसमें आपको डायरेक्शन चाहिए और इसमें आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बना बनाया रोड है, आप रोड पे चले जाओ ऑटोमेटिक सीधे आ जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे। बट यहाँ पे शॉर्टकट ले रहे हो तो आपको खेत में से होकर आना पड़ेगा, और खेत में अगर आपने डायरेक्शन पता नहीं किया तो आप शायद हो सकता है कहीं और पहुँच जाओ, इसलिए आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। जब शॉर्टकट लेते हैं तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है राइट। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट सी है, हम पॉइंट ए से पॉइंट सी के ऊपर आ रहे हैं और दूसरे वाले में भी क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट ए से पॉइंट सी के ऊपर आ रहे हैं। बट यहाँ पे हमने एक जंक्शन लिया हुआ है, पॉइंट बी के ऊपर आए और बी से सी के ऊपर आए, ये शॉर्ट रास्ता है, शॉर्ट रूट है, और ये लॉन्ग रूट है राइट। इसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, यस और नो? यस यस। ओके, और इसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो हम शॉर्टकट की बात करते हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो लॉन्ग रूट की बात करते हैं वो हमारा डिस्टेंस होता है। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, एक आसान भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन करेंगे।
लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, या थोड़ा और टेक्निकल उसको समझें, तो मैंने क्या बताया था कि ये पॉइंट क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है या डेस्टिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, या फिर इनिशियल पोजिशन टू फाइनल डेस्टिनेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं क्या कहूँगा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन, और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर डायरेक्शन, बट इन अ केस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। सर ऐसा लिख इसमें सकते, बात इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन सर्टेन टाइम। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख रहे हो तो डिस्टेंस की डेफिनेशन में डिस्टेंस वर्ड यूज ना करो तो अच्छा है, क्योंकि हम जिसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, ऐसा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा। हाँ चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखते वक्त आप डिस्टेंस वर्ड यूज कर सकते हो, द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या टू पोजिशन, ऐसा आप लिख सकते हो। राइट, क्लियर हुआ, हाँ सर, हाँ सर, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब मुझे बताना, मैं यहाँ पे अभी एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि एकदम समझ में आ जाए कि सच में क्या ऐसा होता है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यहाँ पे ले लिया हमने 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, राइट। अच्छा अब मुझे जाना कहाँ पे है, मेरा जो इनिशियल पोजीशन है सी वो है ए, सी और जो फाइनल पोजीशन है वो है सी। मुझे ए से सी पे जाना है, राइट। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ए से बी और फिर बी से सी की ओर जाऊं, या फिर डायरेक्ट मैं ए से सीधा सी पे चला जाऊं, दो पॉसिबल रास्ते हैं, राइट। अब ए से बी जाने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 3 किलोमीटर, और बी से सी जाने के लिए 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं, राइट। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टू सी इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, ए बी प्लस 8 किलोमीटर, बी सी, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, राइट। चलिए अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, और आपको मालूम है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी बी सी सी स्क्वायर, स्क्वेयर, बी सी स्क्वायर, राइट। अब ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारा, 3 स्क्वेयर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, क्या फोर स्क्वायर, राइट। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 नाइन और प्लस फोर स्क्वायर सिक्सटीन 25, प्लस 16, 16। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ वैल्यू ऑफ ए सी बिकम, इसी बिकम फाइव, इसी बिकम फाइव, ए सी बिकम 5, वेरी गुड, 5 किलोमीटर। ये हो गया 5 किलोमीटर। आप देख सकते हो ये जो हमारा डिस्टेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, 7 किलोमीटर, और ये शॉर्टकट कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर। मतलब आप 2 किलोमीटर आपका जो रूट था वो क्या हो गया, कट रिड्यूस हो गया, हो हाँ कट हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया,
मतलब आप अपनी जगह पे, अपनी डिसाइड की हुई लोकेशन पे 2 किलोमीटर का आपका रूट कम हुआ, इसका मतलब आप वहाँ पे जल्दी पहुँच सकते हो, जल्दी जा सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप उस शॉर्टकट वाले रास्ते से भटक ना जाओ, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। इसलिए आपको बार बार डायरेक्शन के बारे में पता करते रहना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर, ठीक यस है। सर, तो ये हमने क्या फाइंड किया? डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, और ये हमने डिस्टेंस फाइंड किया, राइट? ठीक है। अभी और एक छोटा सा सवाल लेता हूँ। चलिए, अब क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है, एक छोटी सी गाड़ी हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये मान लो हमारी गाड़ी है, हमने मतलब एक फनी गाड़ी बनाई यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी गाड़ी है और हम क्या कर रहे हैं, इस गाड़ी में बैठकर सर्कल के पाथ में घूम रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा सर्कल का क्या है, सेंटर है, और ये जो ए से ओ का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 7 किलोमीटर, राइट। और हम इस तरीके से घूम रहे हैं, पहले हम ए से पी पे जा रहे हैं, पी से क्यू पे, क्यू से सी, सी से आर, आर से एस, और एस से वापस ए पे। मतलब पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ए से घूमना शुरू कर रहे हैं और वापस कहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ से हमने घूमना शुरू किया था, जहाँ से हमने हमने जर्नी स्टार्ट की थी, वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, वापस घूम के आ रहे हैं, राइट। ए से स्टार्ट किया था और ए पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जर्नी को ख़त्म करना है, राइट। अच्छा, अब जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे हम रुक के आ वापस वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा इनिशियल पोजीशन पॉइंट और फाइनल पोजीशन पॉइंट, क्या दोनों सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? डिफरेंट डिफरेंट इसमें सेम इसमें सेम सर्कुलर पाथ में हमने ए से शुरुआत की थी और वापस कहाँ पे आ रहे हैं, ए के ऊपर आ रहे हैं। तो क्या दोनों में इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन का पॉइंट है वो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम सेम रहेगा, बिल्कुल सही। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब ढूंढा जाता है? जब इनिशियल जब पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनिशियल डिफरेंट पॉइंट है। और फाइनल पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो। अब तो यहाँ पे तो क्या हो गया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो हमारा सेम हो गया। तो इस वाले केस में जब ऐसा होता है, मतलब जहाँ से शुरुआत करते हैं वहीं पे हम हमारी जर्नी या मोशन हमारा ख़त्म होता है, उस वाले केस में आप ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेशल केस लिख रहा हूँ मैं, सर्कुलर पाथ में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन
और फाइनल पोजीशन आपस में क्या हो जाती है, दोनों मर्ज हो जाती है, दोनों क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो आप किसके बीच में डिस्टेंस या किसके बीच में डिस्प्लेसमेंट ढूंढोगे? चलो सवाल डिस्टेंस का रहा, तो गाड़ी यहाँ से चलना शुरू कर रही है, ए पॉइंट से लेकर पी पे जा रही है, पी से क्यू पे, क्यू से आर पे जा रही है, आर से सी, से सी से आर, और आर से एस, और एस से वापस ए पे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो हम सर्कल की ये बाउंड्री का फॉर्मूला जानते हैं। सर्कल की बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस या उसको बोलते हैं पेरीमीटर। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि जो हमारी कार है उसने सर्कुलर पाथ घुमा है तो कितना डिस्टेंस कवर किया होता, देख लेते हैं। सी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7 किलोमीटर, 7 7 कट हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 44 किलोमीटर इसने क्या किया होगा, पाथ ट्रैवल किया होगा। मतलब डिस्टेंस तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सर्कुलर पाथ में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। अब जो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से आप वापस आ गए, तो इन दोनों में क्या शॉर्टकट होगा? कुछ नहीं। शॉर्टकट ढूंढने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, आपके तो दोनों के दोनों पॉइंट सेम ही हैं, तो आप क्या शॉर्टकट फाइंड करोगे? तो सर्कुलर पाथ के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, बट आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप डिस्टेंस क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चलिए एक छोटा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि थोड़ा और भी हमारा एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का व्यू क्लियर हो जाए। सारी वैल्यूज किलोमीटर में है, मुझे क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट ए का डिस्टेंस फाइंड करना है, और पॉइंट ए से पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। बताओ क्या कर सकते हैं? पॉइंट ए से पॉइंट ए का पॉइंट ए डिस्प्लेसमेंट से जीरो है। पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम ही है, 0 हो डिस्टेंस जाएगा। हो जाएगा फोर डिस्टेंस हो थ्री जाएगा 4 3 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। जो कुछ भी पाथ है वो हम सबको प्लस कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू थ्री, ए ए बी इज इक्वल टू थ्री, बी सी फोर। फोर्टीन किलोमीटर, क्लियर हुआ? अब मुझे क्या करना है, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट बी से डी, पॉइंट बी से पॉइंट डी, डी और पॉइंट डी से पॉइंट बी से पॉइंट डी का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर। डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर। डिस्टेंस में तो हम क्या करेंगे, बी सी प्लस सी डी कर देंगे। ये हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, सर। और डिस्प्लेसमेंट तो हमें ढूंढना पड़ेगा बाय द यूज ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 BD is equal to 5 BD is equal to 5 आया समझ में? ये आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर तो इस तरीके से आप देख सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम इस तरीके से फाइंड करते हैं अब फाइनल समरी पे आते हैं फाइनल समरी पे आते हैं डिफरेंस देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज अ लॉन्गेस्ट पाथ Displacement is shorter path. Displacement is shorter path. Shortest path. ये एकदम मैं आपको के short बता रहा हूँ, but आपको exam में उसको थोड़ा full sentence में लिखना है. Shortest path. Second. It is a scalar quantity. Distance. It is a scalar quantity. हाँ. Distance. Right. May never be zero. Distance है ना कभी भी zero नहीं होता है. और आपने देखा था अभी अभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं फाइनल पॉइंट सेम होता है डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो ठीक है चलिए डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है आपको इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी रिक्वायर डायरेक्शन ठीक है फोर्थ पॉइंट अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलने वाला Speed. है स्पीड मिलेगी और अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें वेलोसिटी मिलेगी ठीक है इसका मतलब बोल सकते हैं कि स्पीड कभी जीरो हो सकती है स्पीड कभी जीरो होगी नो सर स्पीड किस में से बनी है स्पीड डिस्टेंस में से बनी है और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि डिस्टेंस कभी जीरो होगा ही नहीं तो स्पीड भी हमारी जीरो हो सकती है नहीं हो सकती नहीं हो सकती बिल्कुल सही और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है वेलोसिटी भी होगा वेलोसिटी हमारी जीरो जीरो हो सकता है और अगर सर्कुलर पाथ की बात की जाए तो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी हमारी कैसे हो जाएगी जीरो हो जाएगी जीरो हो जाएगी बिल्कुल सही अच्छा अब आखिरी पॉइंट निष्कर्ष पे आएंगे हम फिफ्थ नंबर यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी A physical quantity. These are the physical quantity which only are expressed only by the magnitude is called scalar quantity. Magnitude is called scalar quantity. Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही. Scalar quantity किसे कहेंगे? ऐसी कोई physical quantity जिसमें सिर्फ क्या हो magnitude. ये word बहुत important है इस definition में. Magnitude. वेक्टर क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम वेल एज देन ओनली देयर मीनिंग इज कंप्लीट बिल्कुल सही यहां पे आपको स्केलर क्वांटिटी में क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए ठीक है मैग्नीट्यूड मतलब हम बोलते हैं ना 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर
हंड्रेड किलोमीटर ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं मात्रा, जैसे कितना किलोमीटर जाना है क्वांटिटी, आपको, ठीक है। और फिर हम बोलते क्वांटिटी हैं हाँ क्वांटिटी, और हम दूसरा बोलते हैं कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में या 5 किलोमीटर साउथ साउथ में, में, तो आप क्या बोल रहे हो कि मैग्नीट्यूड भी बोल रहे हो और साथ में डायरेक्शन भी बोल रहे हो, तो वो वाली क्वांटिटी कैसी हो वेक्टर जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर ठीक है। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी ठीक ठीक जिसमें आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा था डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही थी, ठीक है, समझ सर। में आया। अब मुझे बताओ कि टाइम क्या है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी टाइम है, का क्या कभी स्केलर टाइम क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप कभी भी किसी को भी पूछोगे और आपने किसी को पूछ लिया कि टाइम कितना हुआ है या अभी क्या टाइम हो रहा है, तो आपको कोई ऐसे आंसर नहीं देगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में 5 बजे हैं या साउथ डायरेक्शन में 6 बजे हैं या ईस्ट डायरेक्शन में 3 o'clock हुआ है या आज तो नॉर्थ ईस्ट में 7 o'clock बजा है। क्या आपको कोई टाइम के साथ डायरेक्शन देता नहीं है, देता, कभी नहीं। हम टाइम नहीं देता। क्या बोलते हैं, 2 o'clock, 3 o'clock, 2:30, 10 to 3, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं, राइट। तो टाइम में आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए टाइम हमारा कैसा हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो अभी तक हमने 5 क्वांटिटी को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी, और टाइम, टाइम, और साथ में हमने देखा स्केलर और फिर वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी स्पीड, है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वेलोसिटी से वी, हाँ वी से वेक्टर, ठीक है, स्पीड से एस, एस से स्केलर, राइट। तो स्पीड स्केलर वेलोसिटी वेक्टर, वी से वी याद रखना है आपको, ऐसे मतलब ट्रिक है, आप हर बार इसको मत लगाओ, आपको सिर्फ समझने के लिए रखना है कि वेलोसिटी से वी, वी से वेक्टर ऐसा। और टाइम हाँ अभी वो अभी हमने देखा स्केलर, टाइम कैसा है, स्केलर हाँ वो क्वांटिटी। स्केलर स्केलर में आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, वेक्टर में आपको चाहिए डायरेक्शन चाहिए, चाहिए। ठीक है। तो आज के दिन के लिए इतना डिसीजन रखेंगे हम, 5 मिनट के बाद हमारा 10 क्लास का क्लास आ रहा है, ठीक है, तो 5 मिनट के बाद तुरंत 10 क्लास की क्लास के साथ जुड़ जाओ। कल हम आगे डिस्कस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और कुछ हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशन को हम कल देखेंगे, ठीक है, चलिए।